हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन मसाला। तो देख लेते हैं उसके लिए जो सामग्री लगेगी। ये मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, ये मैंने लेग पीस लिए हैं, आप कोई से भी पीस ले सकते हैं। एक कटोरी दही लिया है, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 नींबू का रस लिया है। सूखे मसालों में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच चिकन मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी लिया है और ये मैंने तंदूरी कलर लिया है। ये सारी सामग्री चिकन के मैरिनेशन की है। अब हम मसाले की सामग्री देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टमाटर काट कर लिए हैं, 2 हरी मिर्च कट करके लिए है, 3 प्याज लिए हैं काट कर। ये मैंने थोड़े सूखे मसाले लिए हैं, इसमें मैंने जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्ची, लौंग, इलायची, जायफल, जायपत्री 1-1 टुकड़ा लिया है। ये मैंने 1/2 कटोरी काजू का पेस्ट लिया है, 1 कटोरी मलाई लिया है, 2 चम्मच बटर लिया है। सूखे मसालों में 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1 चम्मच चिकन मसाला लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और ये मैंने 1/2 से भी 1/2 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। चिकन को हम पहले इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से लग जाए। इसमें सबसे पहले नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। एक बाउल में दही ले लेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और सारे सूखे मसाले डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। एक चुटकी तंदूरी कलर डाल देंगे, कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। मसाले को इस तरह से चिकन पे अच्छे से लगा देंगे, इस तरह से हम सारे पीस डाल देंगे। इसमें चिकन को हम ढककर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। ये कढ़ाई में हम सबसे पहले सारे सूखे मसाले डाल देंगे, इसको 2 मिनट भूनेंगे। प्याज डाल देंगे, प्याज को हमें गुलाबी होने तक भूनना है। प्याज भून गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में 4 चम्मच तेल गरम कर लेंगे, गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखना है और जो चिकन हमने मैरिनेट किया था उसके 1-1 पीस को निकाल कर इसमें फ्राई कर लेंगे। चिकन को पलट देंगे, दोनों साइड से इसे अच्छे से भून लेंगे। चिकन अब अच्छे से भून गए हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्याज ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक मिक्सर के पॉट में निकाल लेंगे और इसमें हरी मिर्च और टमाटर डाल के इसका पेस्ट तैयार कर देंगे। एक कढ़ाई में 2 चम्मच बटर डाल देंगे, 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे, 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने के बाद हम इसमें मसाला डाल देंगे। इसमें सारे सूखे मसाले डाल देंगे, मीडियम फ्लेम पर हमें मसाले को तेल छोड़ने तक भूनना है। मसाले ने हमारे तेल छोड़ दिया है, अब हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था उसका जो दही बचा है वो मसाले में डाल देंगे। 5 मिनट इसे भून लेंगे। काजू का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन के पीस डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर हमें चिकन के पकने तक इसको पकाना है। चिकन में 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे पकने देंगे। चिकन अब पक गया है, अब हम इसमें 4 चम्मच मलाई डाल देंगे। मलाई डालकर हम इसे हिलाएंगे नहीं, इसे ढककर हम 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, हमारा चिकन तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।